सुनिए हमारे पैसे दो। कौन से पैसे? कल मायके गए थे, हमारे भैया ने दिए थे, भाभी ने दिए थे, मम्मी ने दिए थे, पापा ने दिए थे, पूरे टोटल 4,000 रुपया हुआ था। हमारे पैसे दो। लेकिन वो पैसा तो दामाद को होता है यार, मतलब हमारा वो पैसा तुम्हारा कैसे होएगा? दामाद दामाद तो कुछ नहीं होता है, हम लेते नहीं है इसलिए आपको दिया जाता है। चुपचाप हमारे पैसे दे दो। बाबू यह तो गलत बात है, ये पैसा हमारे है, तुम्हारे कैसे हो सकता? मतलब तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे और हमारा पैसा भी तुम्हारे, मतलब हमारा है का घर में कुछ नहीं है। आप कुछ खा रहा है, पैसे निकालो चुपचाप। दे रहे यार ये ले, थोड़े तो दे दो वापस, सब ले गई। बहुत ना इंसाफी है, सास ने पैसा हमें दे थे। आजकल बिग बॉस खूब चल रहा है, क्यों ना बाबू हम लोग बिग बॉस खेले। ठीक है, हम बिग बॉस बनेंगे। अरे हमें बनने दो भाई, तुम बिग बॉस हो घर की। अच्छा ठीक है, स्टार्ट कर। अब से इस घर के बिग बॉस हम हैं, आपको हमारी हर बात माननी होगी। फिलहाल बिग बॉस चाहते हैं कि आप उनके लिए एक गिलास पानी लेकर आएं। जी बिग बॉस। जा जल्दी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिग बॉस ने आपसे गिलास में पानी मांगा था। हैं? चुपचाप पी लो। चलिए कोई बात नहीं, आपको माफ किया जाता है। अब बिग बॉस चाहते हैं कि आप उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाएं और अब हम आराम करने जा रहे हैं। बिग बॉस के पैर दबाए जाएं, हटिए। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, हम ना दबाएंगे पैर वैर, हमसे ना दबाया जाएगा। बिग बॉस हो या चंचेक बॉस हो। आपको पता नहीं है कि आप बिग बॉस से पंगा ले रहे हैं, अभी आपको नॉमिनेट कर दिया जाएगा। 2 मिनट के अंदर घर के बाहर चली जाओगी। बताए को नॉमिनेट वाले पकड़े फेंकेंगे, अभी घर के बाहर गिरो, पता ना लगेगा कहाँ गिरे हो। आप बिग बॉस के रूल के खिलाफ जा रही हैं, बाहर कर दिया जाएगा घर के। तमीज से बात करिए आप। अरे यार गेम खेल रहे थे बिग बॉस वाला। बाहर में क्या बिग बॉस, बिग बिग अलग, बॉस बॉस अलग कर देंगे। मार मार के लाल ना कर दिया ना, चलो निकल कर के जल्दी। क्या हुआ, तुम्हें हिचकी क्यों आ रही है? तो कुकर थोड़ी हूँ कि सीटी आएगी। मेरा मतलब है हिचकी तो तब आती है ना जब कोई किसी को याद करता है। हाँ कहावत है ये तो। तो बताओ फिर। क्या बताओ? यही कि तुम्हें कौन याद कर रहा है। हद है, मैं कैसे बताऊं कौन सी याद कर रही है। सरप्राइज। ऐसे कौन सरप्राइज देता है? तुम्हें हमारे स्कूल से 7 दिन का टूर जा रहा है बॉम्बे। यार मजा आ गया। नहीं खाली जेंट्स वाला जा रहा है, मतलब उसको। मैं नहीं जा रही। नहीं नहीं अकेले अकेले वाला है। अकेले कहाँ से हो गए, अब शादीशुदा है हम लोग। बड़े अकेले अकेले वाला, क्या कोई जरूरत नहीं जाने की, मना कर दो। पर्सनल लाइफ भी होती है ना किसी की। पर्सनल लाइफ, शादी के बाद पर्सनल लाइफ। मेरी लाइफ भी मेरी और तुम्हारी लाइफ भी मेरी है। ये एटीट्यूड यार, ये कोई बात नहीं है। मेरी बात सुन। बोलो। मैं जा रहा हूँ। कहीं नहीं जाना। बर्तन देखे नीचे कितने सारे पड़े धोने वाले। अरे वो तो मैं धो ही दूंगा आधे घंटे बाद। नहीं जाना मतलब नहीं जाना। जाना है। नहीं जाना। सब याद आ रहा है मुझे, एक एक बात याद आ रही है। अब कौन सी बात याद आ रही है? शादी के टाइम, हमारी शादी के टाइम जब तेरी विदाई हो रही थी ना। हाँ। तो तेरे पापा ने मुझे कहा था क्या? मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ रहेगी, बेटा ध्यान रखना। हाँ। और अब समझ में आ रहा है कि वो तेरे लिए नहीं कह रहे थे कि इसका ध्यान रखना, वो मेरे लिए था कि अपना ध्यान रखना। डार्लिंग मेरी बात सुनो ना तुम। तुम्हारी बात आज तक मैंने सुनी है नहीं, तो फिर आज क्यों सुनूं? बराबर।